तो आज के हमारे इस क्लास में हम पाइथन के ऊपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करेंगे। देखिए, अभी तक जो हमने पाइथन का प्रोग्राम बनाया था उसमें हम कोड को कहाँ रन कर रहे थे? टर्मिनल पे रन कर रहे थे, मतलब कि हम उसको रन कर रहे थे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, टर्मिनल कहिए कमांड प्रॉम्प्ट कहिए, उस पर रन कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो बहुत पहले हुआ करता था, याद हो है? हम लोग वही 90 90 तो नहीं, 90 तो बहुत छोटा था मैं, हाँ, लेकिन 2000 के आसपास रेलवे की टिकट वगैरह लेने जाते थे तो रेलवे के काउंटर पर एक डॉस वाला सिस्टम दिखता था। पता नहीं अब बदला या अभी भी वही है, लेकिन आज के डेट में तो सारा खटाखट क्लिक 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 होना चाहिए। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे तैयार किया जाए जिसमें बटन्स वगैरह का यूज हो और ग्राफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाए, क्या सर? तो आज की क्लास में हम वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या ऐसा होगा। एक फाइल बनाते हैं, एक छोटा सा एक एक छोटा सा बनाते हैं, उसकी बात करता हूँ आपसे। हमने यहाँ पे GUI.UI कर दिया, एंटर मारो। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसका लाइब्रेरी। हम लिखा फ्रॉम इम्पोर्ट, फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट करना है, टी के इंटर एक साथ होगा, माफ करिएगा, इम्पोर्ट स्टार, हमने इम्पोर्ट। अब इसमें सबसे पहले आप हमें करना है क्रिएट करना है रूट विंडो। पहले आपको देखिए यहां पे समझ जाइए ग्राफिकल इंटरफेस का जो सिस्टम है वो समझ जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइब्रेरी को कॉल करना है। सेकेंडरी क्या करनी है, सेकेंडरी आपको रूट विंडो को ओपन करना है। तो आर इक्वल टू हमने टी के ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए, ये उसके बाद आता है आपका मेन लूप। यहां पे आर डॉट ये क्या हो रहा है, ठीक है इंटर, ये इस तरह से क्यों? अच्छा ठीक है इंटर नहीं है क्या? ठीक है इंटर, इंस्टॉल ठीक है इंटर, बट यहाँ ले यहाँ पे ले रहा है, ओ ये छोटा सा फल मिला था, टीके का टी बड़ा है याद रखिएगा, ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे रूट विंडो किया, फिर इसके बाद आपका आता है रूट में आपका यहाँ पे आर डॉट, हमें क्या करना है मेन लूप, क्या करना है मेन लूप, और इसके ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और ठीक है एंटर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। अब इसको मैं जैसे रन करूंगा, रन करते आप देखेंगे एक विंडो यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, जैसे यूजर फॉर्म में हम लोग ब्लैंक यूजर फॉर्म आता है ना, ऐसे देखिए एक आपका ब्लैंक आ गया। अब इसी कोड के माध्यम से इसी विंडो पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, आपके क्या बोलते हैं
पिक्चर्स हर चीज को पैलेस करेंगे जहां से हम डेटा ले सकेंगे। समझे सर कि नहीं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आप पहले आप इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कराने के बाद यहां पे रूट विंडो को लोड करेंगे, इसको इसको बोला जाता है रूट विंडो। एंड याद रखिएगा, जब तक आप आर डॉट मेन लूप को नहीं कॉल करेंगे तब तक आपका जो भी आपने इसके ऊपर बनाया है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो दो चीजें हैं इसके, अब जो कोडिंग करनी होगी हमें इसी के बीच में करनी होगी, समझे। जैसे कि मान लीजिए मुझे टाइटल देना है, तो आर डॉट हमने दिया टाइटल, और टाइटल के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे कि आईपीटी एक्सेल स्कूल, ठीक है। इसे क्या होगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा, अच्छा ये थोड़ा स्लो रन होगा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ गया टाइटल आईपीटी एक्सेल स्कूल का, ठीक है। उसी तरह से मैं चाहूंगा कि इसकी साइज हो रूट का, तो यहां पे लिखेंगे आर डॉट जियोमेट्री। साइज के लिए याद रखना पड़ेगा जियोमेट्री, और जियोमेट्री में जो भी साइज है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दीजिए। मैं मुझे मान लीजिए कि 400 बाई 300 देना है, 400 बाय या स्मॉल एक्स देना होगा, स्मॉल एक्स ध्यान रखिएगा, 400 बाय 300 देना है। तो क्या करना है इसको, इसको यहां से रन करना है। रन कीजिएगा तो आप देखेंगे इतना स्लो वर्न होगा, 400 बाय 300 का आ गया, ठीक है सर। अब यहां पे एक चीज और है कि मैं यहां पे पेंट खोलता हूं, अच्छा ये मैं पहली बार कर रहा हूं, इससे पहले कभी नहीं किया है। और मैंने ब्लू का कलर लिया और यहां पे था आईपीटी, सॉरी आईपी, और इसको सेव डी ड्राइव के अंदर, डी नहीं ई के अंदर, पाइथन ये रहा 27 नंबर, और यहाँ पे हम दे देते हैं आईसी, और यहाँ पे आपका आइकन फाइल आएगा। अच्छा नहीं है, आईसी डॉट आई सी को आइकन फाइल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं पैथन पे, अब यहां पे मैं लिखता हूं आर डॉट होता है डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम इसमें दिखेगा आपको आइकन बिट मैप, हाँ आई कैन देखना है आया, तो स्पेलिंग भूल जाता हूँ सर। और यहाँ पे आई सी डॉट आई सी ओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आइकन आ जाएगा, रन कीजिए। आया तो सही, लेकिन वो पाथ को यहाँ भी इसको कंसीडर नहीं किया इसने, आईसी डॉट आईसी को, ठीक तो हमें लग रहा है ना यहाँ पे आइकन फाइल से इसे हुआ नहीं।
मैंने यहाँ पे एक सर्च किया है ऑनलाइन कन्वर्ट योर इमेज इन आईसीयू, चूज फाइल पे गया और पिक्चर्स, पिक्चर्स के अंदर हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आई लोगो स्टार्ट पे क्लिक किया। लोड आइडियो आ गया, इस पे तक डाउनलोड कर। चलिए गए डाउनलोड पे, ये रहा, इसको कॉपी किए और लोकेशन में जाके डाल देते हैं। अब इस कोड को रीड करते हैं। यहाँ पे लोगो एक मिनट, लोगो नहीं है मान दो, आ गया सर लोगो, समझे? ये क्या था? आइकन। कुछ दिक्कत सर इसमें? समीर जी, तो हमने टी के एंटर दिया, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि सिर्फ टी के इंटर ही है या कुछ और भी है, मतलब कि इसके अलावा, ठीक है ना, कि क्या क्या लाइब्रेरीज ले सकते हैं। तो इसमें क्या सारा कुछ लाइन बाय लाइन लिख के पूरा फॉर्म बनाना जी जी पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, वो डिजाइन करने वाला सिस्टम नहीं है कि डिजाइन किया, सारा कोडिंग से ही होगा। ये जैसे यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, जैसे हम वीडियो फॉर्म में ना तो अब अभी पहले से यहाँ बटन, यहाँ पे सारा का सारा कोडिंग से ही होगा, कोडिंग से ही सारा होगा, और सिंपल भी है सर, वीडीएस से बहुत सिंपल है। इवेंट वगैरह इसमें अच्छे आते हैं, ये डिजाइन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसके लिस्ट समझिए, सबसे पहला आ गया टी के एंटर, मैं लिस्ट एक बार बताता हूँ। दूसरा आता है पाई क्यूट, ए एक हो गया हमारा, इसको कॉपी करते, इसको कॉपी करके आपको हम भेज देते हैं ने? व्हाट्सएप पे। इसके बाद एक लाइब्रेरी तो ये रहा, मोस्टली पॉपुलर लाइब्रेरी, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, बहुत सारे बुक्स में जाएंगे तो बहुत सारे बुक में भी यही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा और इसमें क्या क्या है? तो इसके अलावा भी बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं, इस पे जाते हैं तो आपको दिखेगा, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। तो एक आता है आपका पी पी वाई क्यू टी, यहाँ पी वाई क्यू टी। अब चलिए इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा पी वाई क्यू टी ही पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा सर बोलते हैं, टीके इंटर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको पता हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको, कि पिप ठीक है, इंटर इनबिल्ड होता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी अगर लेते हैं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। पिप इंस्टॉल पी वाई क्यू टी 5, आई थिंक 5 होता है इसका, ये डाउनलोड करेगा आपको पूरा।
आ गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा pip install, दो चीजें करना पड़ेगा, pyqt5 dash, आई थिंक टूल एस लगा होता है, टूल्स होता है, देखिए हाँ ये भी डाउनलोड हुआ। ये दो चीज आपको डाउनलोड कर, आ गया। और इसमें आता है ये जो आपका है ना, इसमें कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ इसकी में कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये डिजाइन करने के लिए आई थिंक इसमें कोड रिक्वायरमेंट नहीं होती है। PYQT डिजाइनर ढंग मेरी एक से क्यों नहीं आया इसमें। नहीं है अच्छा, इसके लिए ऑन एना करना चाहिए। चलिए कोई बात, मैं कुछ और सोच रहा था। तो इसके लिए हम करते हैं इंपोर्ट। सबसे पहले आपको SYS इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। देन क्या लिखते हैं, फ्रॉम फ्रॉम PYQT5 ठीक है डॉट, इसमें देना पड़ेगा QT। अच्छा ये जो क्यू क्यू आपका जो PYQT5 जो है, इसमें एक चीज है कि आपको इसका एक बेनिफिट होता है कि इसका एक क्यूटी डिजाइनर होता है। अगर वो डिजाइनर आपका इंस्टॉल है जो कि एनाकोंडा के साथ चलता है, उससे आप जैसे VVA के थ्रू आप करते थे ना यूजर फॉर्म डिजाइन करते थे, ऐसे ग्राफिकली डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये नई फीचर आई है, मैंने इसको यूज नहीं किया है, मैं वो सर्च कर रहा था क्योंकि मैं ठीक है इंटर पे कोडिंग ही करता था सबसे, लेकिन इसका कल मेल आया था मुझे, इसका मतलब एक जुड़ा हुआ हूँ एक क्या बोलते हैं उससे,
एक चैनल से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बराबर मेल करते रहते न्यू न्यू फीचर्स, तो मैंने कल पढ़ा था इसमें करना है क्यूटी, ये रहा विड गेट्स, और इसमें मुझे करना है इनकोड क्यू एप्लीकेशन, और यहाँ पे कॉमा दीजिए, दो चीज में करना है क्यू विड गेट, दो आपको इंपोर्ट करने हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐप लिया, एप्लीकेशन लिया कि ऐप इक्वल टू क्यू एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमने कर दिया sys.arvg, argv, सॉरी जीवी, argv, ये हमने इंपोर्ट कर, ठीक है। फिर w इक्वल टू हम यहाँ पे क्यू विगेट को कॉल करते हैं w के ऊपर, एंड फिर w के ऊपर जो भी करना है कर दिया कि w.set विंडोज टाइटल, टाइटल ले लेते हैं विंडोज टाइटल, विंडो आइकन यहाँ पे कर सकते हैं विंडोज टाइटल, और इसके अंदर मैं अपना टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पे IPT एक्सेल स्कूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू डॉट सेम सेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, और यहाँ ज्योमेट्री में मुझे 100, ये एक्स लेना है, एक्स भी 100 ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं ए डब्ल्यू भी 400 ले लेते हैं, और यहाँ पे 300 भी। एंड द लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम डब्ल्यू डॉट शो, ये जरूरी है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। और जब शो करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, sys.exit करना पड़ेगा, क्योंकि तो हम उसको कॉल किए है ना, एग्जिट sys को, app डॉट ex execute underscore bracket open close, ये सब याद करना था मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूटी। अब QT5 जो होता है, PyQT5 जो होता है, इसका इसमें एक ये होता है कि अगर इसमें अगर हम इसका ए ले लेते हैं, डिजाइनर ले लेते हैं ना, PyT डिजाइनर होता है, अगर डिजाइनर ले लेते हैं तो उस डिजाइनर को हम ड्रॉप कर सकते हैं UI यूजर इंटरफेस कंपोनेंट में, ठीक है ना। बट इसके लिए मुझे चाहिए होगा एनाकोंडा, तो एक बार एनाकोंडा वगैरह का सिस्टम सेट कर लेते हैं, तो कल आपको बताऊंगा। फिलहाल कोड से करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, दोनों का प्रोसीजर सेम। अब इसमें आगे चल के हम बाकी चीजें आइकन वगैरह कुछ भी और वगैरह डाल सकते हैं, बटन्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो दो हमने लाइब्रेरी बताया, पहला था टीके इंटर जो कि पॉपुलर है, इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, क्या समझे। और दूसरा हमने आपको बताया PyQt, हाँ PyQt ग्राफिकली भी यूज किया जा सकता है, आप भी सर्च कीजिएगा, मैं भी करूंगा, मैं इसको यूज नहीं किया हूं, लेकिन हाँ मैं एक बार देख लूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि एनाकोंडा बेस पे चलता है, एनाकोंडा पे सिस्टम में शायद नहीं। चलिए इसकी कोडिंग आपको भेजते हैं। अब तीसरा देखते हैं, अभी लाइब्रेरी देख रहे हैं फिर हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मोस्टली कोडिंग सबका सेम ही होता है, थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन क्या है ना कि कई अलग अलग सिस्टम्स पे इसका यूज किया जाता है, कोई जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हर सिस्टम पे कभी कभी क्या होता है, जो लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं कुछ कंपनी उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप एक प्रोग्राम अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अब आप PQIT के बाद, इसके बाद जो आता है यहाँ पे, यहाँ पे तीसरा नंबर जो आता है कीवी आता है, क्या आता है कीवी,
ठीक है। तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। मैंने यहां पे किया पिप कीवी इंस्टॉल कीवी, एंटर मारिए, ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो। ठीक है, आ गया। अब इसकी कोडिंग कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। अब इसकी कोडिंग के लिए कोई खास नहीं करना है आपको, यहां पे इंपोर्ट करना है कि फ्रॉम की वी डब्ल्यू आई डॉट एप इंपोर्ट एप, ठीक है। बट कीवी डॉट एप क्यों नहीं लिया इसने, ले लिया पहले, नहीं लिया अब ले लिया। उसके बाद यहां पे करना है फ्रॉम ई वी डॉट यू आई यूजर इंटरफेस एक्स डॉट लेबल और यहां पे इंपोर्ट मैंने लेबल दे लिया। ये दो चीज आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है ना। अब चलिए इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। और यहां एक चीज और लिखना चाहिए इंपोर्ट कीवी, इसलिए दे रहा। अब यहां पे देना है, यहां पे जो हमारा कीवी है यहां पे यहां लिखना है कीवी डॉट रिक्वायर, ये रिक्वायर वर्जन जो है यहां पे वर्जन देना होता है यहां पे 1.11.1 वन हुआ वन, ये आपका वर्जन आते हैं। अब ये देखिए जब भी आपका कीवी चलेगा ना वो क्लास पे चलेगा, किस पे चलेगा क्लास पे, याद रखिएगा। तो इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, छोड़ देता हूं मैं। यहां लिखता हूं क्लास क्लास, यहां लिखता हूं माई ऐप या कुछ और भी दे सकते हैं, और यहां पे ऐप नाम का देखिए। अब ऐप के ही बराबर, उसके बाद यहां पे फंक्शन डिफाइन किया कि डेफ वी यू आई बिल्ड हो गया, यहां पे डेफ बिल्ड इन ए आपका रिजर्व है बिल्ड, बिल्ड में यहां पे सेल्फ आ गया, यहां पे आपका रिटर्न, रिटर्न में मुझे लेवल रिटर्न करना है तो मैंने यहां पे लिखा लेवल, लेवल के अंदर यहां पे मैंने टेक्स्ट दिए
टेक्स्ट इक्वल आईपीपी टेक्स्ट सेंसर। अब यहां पे माई ऐप के अंदर माई ऐप डॉट बाइक रोक इनक्लोज डॉट यहां पे जो रन कर, तो कीवी जब यूज करते हैं तो पहले आप क्या कीजिए, कीवी को इंपोर्ट कीजिए, देन आप कीवी डॉट ऐप को इंपोर्ट कीजिए, इसके बाद उसका लेवल इंपोर्ट कीजिए, एंड यहां पे आप अपना क्लास के अंदर जो भी बटन्स बनाना है वो बटन जो भी चीजें बनानी है बनाइए, देन लास्ट में उसको रन कर दीजिए। क्या दिक्कत हुआ, रन तो नहीं हुआ है? पॉपअप क्यों नहीं आया फिर? टीवी के बेनिफिट होता था कि हम इसके लिए एंड्रॉयड पे भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड बिल भी होता है, इसलिए टीवी का इस्तेमाल जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं वो भी लोग भी करते हैं, वो iOS पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है, एंड्रॉयड पे भी चलता है। तो कीवी जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ग्राफ वो जो उस पे बने कीवी पे बने हुए प्रोग्राम को हम मोबाइल एप्लीकेशन पे भी लॉन्च कर सकते हैं। ओ सॉरी, ये यहाँ पे मैंने ब्राइक के रोटिंग के बस एक्शन किया इसलिए सोने का। आ गया सर, एक ब्राइकर की वजह से नहीं आ रहा था। इसमें मैंने लेबल दिया हुआ है, अब इसमें लेबल के साथ साथ बटन सटन भी हम देंगे, फिलहाल बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर हम बनाएंगे आगे, ठीक है? तो इसका जो आपका है बोलते हैं कीवी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कीवी आपका एंड्रॉयड भी ओएस भी जैसे प्रोग्राम पे, अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाना है जो कि एंड्रॉयड पे चले, मोबाइल एप्लीकेशन पे चले, iOS पे चले, तो कीवी उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है सर? तो अगर कभी दिमाग में ख्याल आए तो आप कीवी का इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पे देखिए ग्राफिकल इंटरफेस बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है, तो सबके बारे में सीखना मुश्किल है, लेकिन हाँ जानेंगे तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसी हिसाब से आप अपना लाइब्रेरी चूज कर सकते हो। क्या समीर जी सही बोल रहा हूँ ना? तो इसमें से सबसे ज्यादा ठीक है एंटर, ठीक है एंटर, ठीक है एंटर ले सकते हैं। ग्राफिकल पे जाना है तो PYQT ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर अनकोंडा लेना पड़ेगा। आई थिंक अनकोंडा पेड है, फ्री नहीं है। बेसिक वाला फॉर्म तो हाँ ठीक है, उसके अलावा और भी है, ऐसा नहीं है, PY स्लाइड है, ठीक है ना? PY स्लाइड जो होता है सिमिलर टू PTP होता है, रहता है WX पायथन, ये भी आपका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। एक आता है PY GTK, PY फॉर्म, PlayOS, ये आता है, एक और आता है PY GUI, ये आता है टोगा,
बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, मैं भेज देता हूँ लिस्ट, आप उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, चेक कीजिएगा। ठीक है, अलग फॉर्मेट पे होता है, लेकिन टीके एंटर हम मेनली यूज करते हैं। चलिए अब टीके एंटर के कंटिन्यू करते हैं टाइम वेस्ट की। ठीक है सर, ये टीके एंटर के लिए हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, हमने लिखा यहाँ पे फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट। इंपोर्ट में जब स्टार लगाते हैं इसका मतलब समझते हैं क्या होता है सर? सब इंपोर्ट है जी हाँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम सब में स्टार क्यों लगाते हैं? कई बार क्या होता है कि हमारे जो लाइब्रेरी होते हैं बड़े बड़े होते हैं, अगर आपने पूरी लाइब्रेरी कॉल कर ली तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो हैप्पी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद एक रूट विंडो तैयार कीजिए, आर इक्वल टू रूट, सॉरी आर इक्वल टू टी के, टी का कैप, रूट जब क्रिएट करते हैं तो टी कैपिटल में हो, ब्रैकेट ओपन किया, देन यहाँ पे रूट का टाइटल सेट करते हैं आर डॉट टाइटल, और टाइटल में जो डालना है डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दिया आई पी टी एक्सेल इसको, उसके बाद यहां पे हम यूज करते हैं आर डॉट जियोमेट्री, जियोमेट्री मतलब कि आप उसका साइज कितना होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया कि 500 एक्स बाय, ये आपका हाइट आता है तो हाइट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, 800 करते हैं, 800 by 300, ठीक है। अब इसको चेक करना है आपको, तो क्या करेंगे आर डॉट मेन लूप, ध्यान रखिएगा आर डॉट मेन लूप। अब इसको रन करके एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि कैसा आ रहा है। हाँ, इसमें देख सकते हैं कि अच्छा पहला जो होता है ये आपका 800 का विड्थ नहीं आया ना, बिर्थ हो गया। अब 300 के जगह पे मैं इसको कर देता हूँ 500, तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये पहला आपका जो होता है ये बिर्थ होता है, ये दूसरा आपका हाइट होता है, स्क्वायर में चाहिए दोनों बराबर रखिए, अदरवाइज कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको 900 करता हूँ, और याद रखिएगा बहुत ज्यादा दे देंगे तो फिर छोटा हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। इस तरह की चीजें कर सकते हैं, तो मैं 800 by 800 सही रखता हूं। चलिए उसके बाद अगर आपको इसका आइकन देना है तो डॉट डब्ल्यू एम पे जाना पड़ेगा, डब्ल्यू एम अंडरस्कोर आइकन विथ मैप, और यहाँ पे आप दे दीजिए लोगो डॉट आई सी ओ, ध्यान रखिएगा आई सी ओ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए इंटरनेट पे जाके। अब इसको रन करते हैं, ये तो हमारा आ गया, यहां तक तो हम पढ़ ही चुके थे लास्ट टाइम, क्या सर? अब जो है हम बात करते हैं कैनवस, कैनवस के बारे में बात। देखिए दो चीज में आता है, एक आता है कैनवस, दूसरा आता है फ्रेम, ठीक है, कैनवस एंड फ्रेम। अभी आपका कैनवस वाइड है, अब इसके हिसाब से हम जो है अपना कैनवस वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अब कैनवस के बारे में जाने क्या होता है, इसको बंद करता हूं मैं।
अब मैं यहां करता हूं कि सी इक्वल टू क्या सी इक्वल टू यहां करता हूं कैनवस कैनवस। अब कैनवस के अंदर में पहले आपको रूट कॉल करना पड़ेगा जो कि आर है। देन इसके अंदर फिर आपको बैकग्राउंड बीजी देना होगा कि बीजी बीजी इक्वल टू मान लीजिए इसकी बीजी कलर मैं ब्लू दे देता हूँ, ब्लू या कुछ और कलर देना है तो दे सकते हैं। अब कैनवस की जो हाइट है यहां से हाइट सेलेक्ट कर लीजिए और हाइट को मैं कर देता हूं 500 और इसकी जो विड्थ है विड्थ को हम कर देते हैं 600 और कलर कर्सर यहाँ पे कर्सर भी सेट कर सकते हैं कि कर्सर जो है वो क्या होना चाहिए। तो कर्सर को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पेंसिल होना चाहिए या जो भी है एरो पेंसिल इस तरह के यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है तो ये आपने कैनवस सेट किया, क्या सेट किया कैनवस। अब कैनवस ऐसे रन नहीं हो, कैनवस को पैक करना पड़ेगा। तो सी डॉट हमने कर दिया पैक राइट लॉगिक के लिए सिंपल से। अब मेन लूप रन कीजिए, यहां पे देखिए क्या देखा सर। अब बोलेंगे यहां देखिए ये आपको बड़ा आया ये छोटा क्यों आया, क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे कि ये आपका पूरा विंडोज है बड़ा करने पे भी, तो विंडोज अलग होगा और कैनवस जो एरिया है वो आपका अलग होगा, समझे। कैनवस आपका अलग जो साइज देंगे, कई बार देखे होंगे कि एप्लीकेशंस का साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर के जो फीचर्स होते हैं वही छोटे एरिया में होते हैं। वेबसाइट पे भी देखिएगा कि वेबसाइट सेंटर में आएगा बीच से कटा रहता है क्या, कई वेबसाइट को देखेंगे वो तो कैनवस होता है, कैनवस के कारण यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है इसको भी 800 बाय 800 करें तो हाँ हाँ इसको भी अगर मैं यहाँ पे 800 बाय 800 में करूंगा तो ये पूरा में आएगा। इसको बड़ा करेंगे देखिए, अब देखिए बड़ा करने पे आपका कैन ये आपका जो ये है आपका ज्योमेट्री है वो बड़ा हो गया लेकिन ये आपका 8 बाय 8 ही रहे, समझे। कैनवस जो है फिट नहीं होगा तो इसलिए लोग कैनवस लेते हैं, कई बार विंडोज वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम कैनवस यूज करते हैं। कैनवस में आ गया कोई दिक्कत। अब कैनवस के बाद हम बात करते हैं फ्रेम की। ये कैनवस को आपको मैं भेज देता हूँ पहले इसको व्हाट्सएप पे। इसके बाद हम इस पे बात करते हैं फ्रेम, तो ये यहां से आएंगे यहां बाकी तो सेम रहेगा फ्रेम। तो यहां पे हम एफ इक्वल टू लेते हैं फ्रेम, फ्रेम का एफ बड़ा होगा ध्यान रखिएगा ए फ्रेम होना चाहिए ठीक है ना फ्रेम। और फ्रेम में सेम रूट को कॉल कीजिए, हम आर को कॉल किए, रूट कॉल करने के बाद इसका भी हाइट डिसाइड कीजिए, हाइट हाइट इक्वल टू मैंने मान लीजिए 400 ले लिया कॉमा सेम हम विड्थ लेंगे, विड्थ इक्वल टू 500। यहां पे बीजी 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 इक्वल टू इस पर इसको ग्रीन कर कलर हमेशा इन वोडाफोन में होगा ग्रीन।
और कर्सर स्टाइल छोड़ देते, डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कर्सर के स्टाइल को डिफॉल्ट छोड़ देते। उसके बाद फिर यहां पे पैक यहां भी करना पड़ेगा, डॉट पैक, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, आया दिखा। तो फ्रेम भी आपको सेम उसी तरह से वर्क करता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि फ्रेम और कैनवस, क्या फ्रेम एंड कैनवस के अंदर में हमें क्या डिफरेंस है? हम कैसे चूज करें कि हम फ्रेम ले के कैनवस? समझिए इसमें क्या है, अगर आप फ्रेम लेते हैं तो फ्रेम में आप जो है जो भी आप बटन्स लेबल्स वगैरह लेते हैं उसको इजीली तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब आप कैनवस लेते हैं तो आप इमेज और शेप्स और टेक्स्ट को ग्रुप को आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अलाइनमेंट का दिक्कत होता है कैनवस के अंदर, फ्रेम के अंदर अलाइनमेंट का दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां समझिए कि फ्रेम का यूज मेनली किसके लिए होता है, ग्रुपिंग, जो उसके अंदर जो बटन बटन्स वगैरह होते हैं उसकी मेनली जो होता है ग्रुपिंग मैनेज करने के लिए होता है। लेकिन कैनवस का यूज होता है 2D ग्राफिक्स के लिए मोस्टली, जब आपको सेप्स इमेज लाइन वगैरह लेना हो तो कैनवस के थ्रू चलना, बटन्स वगैरह लेना हो, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लेना हो तो फ्रेम, हालांकि कैनवस में भी बटन्स वगैरह आ जाते हैं लेकिन फ्रेम पे भी जो है ना पिक्चर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है और ग्राफिक्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो फ्रेम ले सकते हैं, हाँ। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें होता है, ठीक है सर, समझ में आ गया फ्रेम एंड कैनवस पे क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कब फ्रेम यूज करेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी ग्रुप्स करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने जो भी हमने इनपुट्स डाला हुआ है, जैसे कि बटन्स लेबल हो गया, इनपुट फील्ड हो गया, तो हम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। कैनवस से यूज कब करेंगे, जब हमें कस्टम ग्राफिक्स लेना होगा, समझे, जैसे सैप्स हो गया, इमेज हो गया, लाइन हो गया, एनिमेशन हो गए, तो हम कैनवस लें। और दूसरी बात आता है कि क्या हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, आप जैसे आपने बताया कि दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं, नहीं, हम दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्रेम भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। चलिए इसकी एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि हम दोनों कैसे लेंगे, क्या सर? मैं इसकी कोडिंग आपको भेज देता हूं, तो यहां सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट टीके इंटर और इसको हम एज ए टीके पे डाल देते हैं, हाँ टी पे डाल देते हैं, बार बार टीके इंटर डालना अच्छा ऐसा करता है। उसके बाद यहाँ पे r इक्वल टू हम टी के डॉट कैपिटल टी के ले लेते हैं, अच्छा टी नहीं टी के नहीं टी है ना, आप टी पे डाला हुआ है ना हमने, ठीक है। उसके बाद हम r
आर डॉट टाइटल, टाइटल में हम डाल देते हैं आरपीजी एक्सेल इसको। उसके बाद यहां पे हम लेते हैं फ्रेम एफ इक्वल टू फ्रेम, फ्रेम पे एफ बड़ा होगा टी डॉट फ्रेम होगा फ्रेम, और उसके अंदर रूट को कॉल किया हमने, आर को कॉल किया बीजी। अब जरूरी नहीं है कि बैक, भले इससे पहले वाले प्रोग्राम में बैकग्राउंड तीसरे रूप में डाला था, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं कलर लेता हूं लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, ग्रे में ये होगा लाइट ग्रे। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें हम कलर क्या क्या ले सकते हो, तो आप इसमें कलर जो मोस्टली कलर होता है जैसे कि ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ये तो मोस्टली आप डाल सकते हो। उसके अलावा भी बहुत होता है जैसे कैडेट ब्लू, चॉकलेट, कोरल फोर, श्यान, मजेंटा, ये कलर भी आप डाल सकते हो, ब्लू वुड। वैसे आपको कलर, आप यूट्यूब पे इस पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको कलर कोड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लाइट ग्रे भी है, मैं कलर की बहुत, मैं बीवीए के तरह ऐसा नहीं है कलर है, यहाँ पे कलर का बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, सिंपल लिखने में लगेगा। अब इसमें हाई जो इसकी विड्थ जो है, विड्थ को हम कर देते हैं 150 और हाइट कर देते हैं 300। ये हमने फ्रेम बना लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं फ्रेम, यहाँ पे एफ डॉट पैक, पैक में हमने कर दिया साइड, साइड होना चाहिए लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट। और यहाँ पे हमने फिल्ली इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर दिया वाई फिल, डबल इक्वल। और यहाँ पे एक चीज और आता है पैडेक्स, पैडेक्स को हम डिफाइन कर देते हैं कि 10 होना चाहिए, और पैडी भी होता है पैडी, पैडी हमने बोला 10 होना चाहिए, दोनों का 10 ले लिया, हालांकि जरूरी नहीं है, आप ले भी सकते। अब मान लीजिए हम बटन्स वगैरह बनाना चाहते हैं फ्रेम पे, ठीक है ना, तो हमने बी टी लेते हैं बटन का, बी टी वन इक्वल टू टी के डॉट बटन टी, सो ठीक है टी बटन बटन होगा टी डॉट बटन, और बटन किसके अंदर डालना है तो हमें एफ के अंदर डालना है, फ्रेम के अंदर डालना है। टेक्स्ट क्या होगा बटन पे, तो टेक्स्ट यहां पे होगा क्लिक मी, ठीक है। एक और बटन लेते हैं, बटन टू बी टी टू, बी टी टू इक्वल टी डॉट बटन, ठीक है। और किस पे डालना है, फ्रेम पे डालना है, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट होना चाहिए यहां पे इग्नोर, ठीक है। अब यहां बी टी वन डॉट हमने पैक किया, और पैक के अंदर मैंने पैड, इसकी पैडिंग जो है 5 ले लिया, पैडी 5 ले लिया। फिर यहाँ पे बी टी टू, जितने आप बटन बनाएंगे सबको पैक करना पड़ेगा यहाँ पे पैक, और इसका भी पैडी है, उसका ये होता है एक बटन से दूसरे बटन के बीच में गैप जो होता है ना, वो पैडिंग, ठीक है ना, सट जाएगा पैडिंग नहीं देगा, सट जाएगा। ये हमने बटन ले लिया। अब बात करते हैं कैनवास का, तो सी इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं
डॉट कैनवस, डायरेक्ट कैनवस अब यहां नहीं लेना है, मैंने कहा अब आपको मुझे फ्रेम टीके के साथ कैनवस लेना है क्योंकि दोनों को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए उस पर रूट ले लिया हमने, रूट इसकी विड्थ 300 और हाइट जो है ये भी लेते हैं, और बीजी जो है वाइट, बीजी ने वाइट नहीं, बीजी लेता हूं मैं रेड, क्या दूं कलर, चलिए हम लेते हैं हॉट पिंक, एच यू हॉट पिंक, पीवी बड़ा बड़ा होगा हॉट पिंक, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं सी डॉट पैक, और पैक में हमने साइड कर दिया, अब लेफ्ट नहीं करूंगा, लेफ्ट तो ऑलरेडी हमारा ये है फ्रेम है, तो क्या करते हैं राइट करते हैं, आर आई जी एस टी राइट, ठीक है। और इसका भी पैड एक्स ले लेते हैं, पैड एक्स इक्वल टू 10 और कैरी ले लेते हैं 10, ठीक है। फिर सी डॉट क्रिएट, क्रिएट रेक्टेंगल कर देता हूँ, बहुत सारे इमेज है, ओरल है, लाइन है, दिख रहा है आपको ना, रेक्टेंगल ले लिया, और रेक्टेंगल में इसका हमने दे दिया आपका एक्स जीरो वाई एक्स एक्स वन जो है ना इसका देना होता है, तो 50 50 200 200, और हम बोलते हैं इसका जो फिल होगा ना, फिल हम कर देते हैं मान लीजिए ब्लू, ठीक है। अब जो है नीचे बस मेन लूप को चलाना है कि आर डॉट मेन लूप, ये मेन लूप जरूरी है वरना आपका सो ही नहीं करता, ये देखिए देखा सर, यहाँ क्लिक मी और इग्नोर करके आ रहा है, लेकिन बटन ऑर्गेनाइज सही तरीके से नहीं, क्योंकि फ्रेम में है ना, इसलिए ये फ्रेम हो गया और ये आपका ये हो गया। अब फ्रेम में मेरा जो फ्रेम का विड्थ है ना वो कम है, तो हाइट ज्यादा हो गया विड्थ कम हो गया, और ये हमारा मान लीजिए कि इसको हम विड्थ जो है 500 by 300 करता हूँ, अब रन करता हूँ, ये बटन्स बन गए, ये तो फ्रेम होगा, और ये आपका ए ए और ये आपका ये क्या बोलते हैं कैनवस हुआ, और फ्रेम आपका लेफ्ट के साइड है, ठीक है। नहीं कैनवस भी आएगा, कैनवस भी आएगा, कैनवस आपको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाएगा, ग्रुपिंग वगैरह करना बताऊंगा सर आपको, देखो कर रहे सर बताऊंगा। तो यहाँ बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेम और कैनवस क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में समझा रहा हूँ। हाँ जैसे अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ पे क्या लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं विडगेट्स, विगेट्स डब्ल्यू आई डी जी टी एस विगेट्स होगा ना, तो हाँ उसमें होता है बटन होता है, लेबल होता है, मैसेज होता है, टेक्स्ट होता है, स्क्रॉल बार होता है, चेक बटन होते हैं, रेडी बटन होते हैं, इंट्री होता है, स्नाइप बॉक्स होता है, लिस्ट बॉक्स होता है, और मेनू होता है, ठीक है। जब हम एक यूजर फॉर्म बनाएंगे उसी हिसाब से हम सेट करेंगे, फिर उसके बटन के ऊपर हमारा एक्शन होता है कि हम उसके ऊपर किस तरह का एक्शन देते हैं वो होता है, ठीक है।
फिर उसकी लिंकिंग होती है कि हम उसकी लिंकिंग कहाँ से करते हैं। समझे नहीं सर? चलिए एक जो है हम एक एक करके आपको समझाते हैं, समझाएंगे। उससे पहले एक जो है हम एक यूजर फॉर्म बना के दिखाते हैं, एक फॉर्म एक इंटरफेस बना के दिखाते हैं। तो यहां पे मैं लिखा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट इंपोर्ट स्टार, ठीक है। अब इसमें हम क्लास लेते हैं, क्लास माई बटन्स के नाम से, बटन्स के नाम से मैं एक बना लेता हूँ क्लास, ठीक है। उसके अंदर हम डेफ करते हैं, डेफ अंडरस्कोर इनिट, सेल्फ आ गया। अब सेल्फ के बाद यहां हम रूट को कॉल करें, हाँ, क्योंकि हमारी रूट हो, रूट ही कॉल करता हूँ, कंफ्यूजन हुआ। और ये जो नन वगैरह लिखा है इसको हटा देना, जरा रख सकते, जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे पास नहीं देना है, अब इसमें देना है मुझे सेल्फ, सेल्फ डॉट एफ इक्वल टू, यहां पे फ्रेम लेना है, फ्रेम, और फ्रेम के अंदर देना है रूट कॉमा इसकी हाइट। हाइट मैंने यहाँ पे 350 दे दिया, और विड्थ जो है हम यहाँ पे 500 लेंगे। तो यहां पे देते हैं सेल्फ डॉट एफ डॉट अब इसमें फोटोगेट कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपने देखा था इससे प्रोग्राम में मेरा जो फ्रेम था वो श्रिंक हो गया था ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपर गेट जो देते हैं इसको प्रोपर आर नहीं इसमें लेकिन इसको प्रोपर गेट पढ़ते हैं, प्रोपर गेट देते हैं उसमें अगर जीरो दे देते हैं तो क्या होगा कि फ्रेम जो है ना वो श्रिंक नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने किया सेल्फ डॉट एफ डॉट उसका पैक करते। अब क्लास पे क्यों बना रहे हैं, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, बट क्लास पे बनाने के पीछे पर्पस ये है कि आगे चल के मुझे अगर 3-4 फॉर्म 5-6 फॉर्म चाहिए तो बार बार मुझे फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं होगी, हम इसी को कॉल। जब आप यूजर फॉर्म बनाते हैं तो होता है ना कि क्लिक करते दूसरा यूजर फॉर्म आता है, एक यूजर फॉर्म में काम फिर हो जाता है। जैसे आपने एक 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 इंटरफेस बनाया कि भाई आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, मैं यहाँ पे मान लीजिए आपने करना है कि भाई आपको इंडिविजुअल चाहिए या मल्टीपल चाहिए, तो इंडिविजुअल के लिए अलग इंटरफेस है, मल्टीपल्स के लिए अलग इंटरफेस है। तो लेकिन सबका बेस जो होगा बटन्स वगैरह चेंज हो जाएंगे लेकिन फॉर्म का बेस तो सब जगह एक ही ना हो, इसलिए ठीक है ना। अब यहां पे देते हैं सेल्फ डॉट अब इसमें हम करते हैं बटन, तो V1 कर देता हूं बटन का नाम, V1 इक्वल टू बटन का V बड़ा होगा, V1 इक्वल टू बटन, और बटन में हमने दे दिया रूट क्या है, तो हमने सेल्फ डॉट एफ हो गया हमारा, और इसके अंदर टेक्स्ट इक्वल टू हम कर देते हैं क्लिक में,
और इसकी विड्थ और हाइट भी डिसाइड कर देते हैं हम, बटन की विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा विड्थ 15 कर देता हूँ और इसकी हाइट जो है 2 कर देता हूँ, हाइट इक्वल टू 2 कर दिया। अब इसका कमांड होगा, इस पे एक चीज और आता है कमांड, यहां पे कमांड, तो कमांड इक्वल टू मैंने यहां पे डाल दिया सेल्फ, और सेल्फ के अंदर हमने डाला डालेंगे क्या डॉट बटन क्लिक, फिर वापस यहाँ पे देते हैं सेल्फ दूसरा बटन, यहाँ सेल्फ डॉट बी टू इक्वल टू बटन, इसमें हम लेंगे सेल्फ डॉट एफ, फिर देते हैं टेक्स्ट इक्वल टू क्लोज, और इसका भी हम करते हैं विड्थ 15 हाइट 2 एंड कमांड, कमांड इक्वल टू हमने लिख दिया क्विट EUIT क्विट, बटन को इसको क्लोज करने के लिए। अब बारी आती है जो बटन बनाया उसको फ्रॉम पे अटैच करना, तो मैंने यहां लिखा कि सेल्फ डॉट बी वन डॉट सेल्फ डॉट बी वन डॉट ग्रिड, क्योंकि बटन को ऐसे रखने नहीं रखेंगे ना हम, ग्रिड पे रखेंगे ताकि रो एंड कॉलम होगा ग्रिड, ग्रिड में हमने बोला कि जो रो नंबर होगा वो 0 होगा एंड कॉलम नंबर 1 होगा, कॉलम नंबर 1। सेम इस तरह से सेल्फ बी टू डॉट ग्रिड, बी टू डॉट ग्रिड ग्रिड, इसमें भी रो नंबर 0 होगा लेकिन कॉलम नंबर क्या होगा 2 होगा, ताकि उसके बाद आए ओवर ओवर लोड ना हो या एक के नीचे ना अरेंज ना है, अरेंज करके लाना है इस। अब ए हो गया हमारा, अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है एक बटन और डिफाइन करना है इसी के अंदर, यानी क्या बोलते हैं डेफ और बटन क्लिक जो मैं ऊपर कॉल किया है ना यहाँ पे ऊपर बटन क्लिक तो देना पड़ेगा ना क्या, तो यहां पे हमने लिया बटन क्लिक, यही है ना बटन क्लिक ही है ना ऊपर जो हमने कमांड डिसाइड किया है, बटन ए बटन क्लिक में ए जो कमांड डिसाइड हमने किया है, इस कमांड को मुझे देना पड़ेगा ना या फिर है क्या है, बटन क्लिक, और इस बटन क्लिक के अंदर हम सेल्फ को ही कॉल करते हैं ताकि वेरिएबल्स को अगर डिजाइन डिफाइन करना ना पड़े, और इसमें लेबल डिफाइन करते हैं कि सेल्फ डॉट एल बी वन इक्वल टू
लेवल, लेवल के अंदर सबसे पहले कॉल करते हैं हम लोग सेल्फ डॉट एफ कॉमा, इसका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट लिए और टेक्स्ट में हम दे देते हैं आईपीटी एक्सेल स्कूल और इसकी जो विड्थ है विड्थ हम कर देते हैं 20 और हाइट जो है कर देते हैं 2। हाइट कर देते हैं 2। इसके बाद इसमें हम फॉन्ट, क्योंकि टेक्स्ट है तो फॉन्ट होना चाहिए, तो फॉन्ट क्या होना चाहिए, तो फॉन्ट, फॉन्ट में इस पर देना पड़ेगा ट्राई के, तो फॉन्ट सबसे पहले होना चाहिए कुरियर, यार एरियल ले लीजिए, कुरियर ले लीजिए, कुरियर सही है। उसके बाद फॉन्ट का -30 साइज ले लिए और हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं, बोल्ड और अंडरलाइन। रीड करेंगे तो फॉन्ट इक्वल, और फिर यहां पे मुझे देना है फोरग्राउंड, बीजी होता है बैकग्राउंड और एफ जी होता है फोरग्राउंड, एफ जी इक्वल टू हमने डाल दिया ब्लू, कलर जो होगा फॉन्ट कलर ब्लू। फिर हमने लेवल डिसाइड कर दी, अब मुझे लेवल को अटैच करना है, सेल डॉट एल बी, इसका नाम है ना एल बी वन, एल बी वन डॉट ग्रीन, रो जो होगा इक्वल टू अब यहां पे 2 कर दीजिए एंड कॉलम जो है इक्वल टू 0, सेल्फ डॉट एल बी वन और प्रिंट। तो यहां हमारा मेरा क्लास जो है माय बटन्स खत्म। अब आते हैं नीचे, अब यहां पे हम देते हैं रूट, अब यहाँ पे ऊपर रूट दिए थे यहाँ पे रूट ही देना पड़ेगा, ठीक है लाइक इट ओपन। फिर यहाँ पे हम देते हैं एम बी इक्वल टू एक फंक्शन कॉल करते हैं माई बटन्स और इसमें हम रूट को देते हैं रूट, ठीक है, और फिर यहाँ पे करते हैं रूट डॉट मेन रूट। अब देखिए ये ऑर्गेनाइज अभी जो आएगा वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आएगा और एक्शन भी होगा इस। एक मिनट सेल्फ बी वन बटन वन
ओ आ गया सर, ठीक है। अब मैं क्लिक में भी क्लिक कर रहा हूं तो आईपी एक्सेस बुला रहा है, और क्लोज करता हूं गायब हो जा रहा है, समझे। तो ये बटन से या फिर जो भी बनाएंगे उसके अंदर इवेंट के लिए आप इसी तरह से इवेंट कर सकते हैं फंक्शन, समझे। सर इसमें कुछ इसके आप बटन्स को समझ लीजिए, बटन क्या होता है, आप लेबल को समझ लीजिए, आप टेक्स्ट बॉक्स के चार पांच चीजें दिखाया आपको समझ लीजिए, बाकी सब में तो सेम ही है ना। टेक्स्ट आपको याद ही रहेगा, हाइट विड्थ आपको याद ही रहेगा क्या। तो ये जो चीजें मैंने बस आपको समझाया कि ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह से काम करेगा, तो इसमें आपको याद सब कुछ तो नहीं रखना है, इसमें आपको याद रखना है बटन, लेबल, मैसेज, टेक्स्ट, स्क्रॉल बार, बटन, रेडियो बटन, एंट्री, स्पाइन बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, मेनू बार, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अंदर जो जो कंपोनेंट है वो सब तो सेम है, कंपोनेंट अलग अलग है सर। और प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी याद तो रखनी पड़ेगा, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बाकी चीजें भूलते हैं तो गूगल बाबा है ही ना सर क्या। अरे तो तो यही भी आ गया, ये चीज आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको उसका अरेंजमेंट पता होना चाहिए ना सर। जैसे ये सिंपल समझिए ना, आप बचपन में टेबल याद करते थे ना, कब तक करते थे टेबल याद, जब तक आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था या फिर एडिशन नहीं आता था। जैसे आपने मल्टीप्लाई सीखा, एडिशन सीखा, अब याद है आपको टेबल, लेकिन टेबल लिखने के लिए दिया जाए तो लिख तो लीजिएगा क्या सर, नहीं लिख लीजिएगा। एडिशन करते हुए चले जाएंगे या मल्टीप्लीकेशन करते हुए चले जाएंगे क्या, तो पता हो गया, तो अब याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग नोट कर लेते हैं। सेम थिंग यहां भी है, बस इसकी मेथड आपको पता चल जाए। अगर कहीं पे स्टक होते हैं तो बहुत सारे चीजें हैं जहां से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको भेजे हैं लिस्ट, इसके किसके भेजे हैं, जीआई का लिस्ट जो भेजा है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। और भेज भेज दिया मैंने, कोड भेज दिया। दिया। हाँ, कल जो है, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में एक फॉर्म बनाएंगे, एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जो कि जब भी हम उस पर सबमिट करें तो डेटा एक्सेल में जाएगा, जब भी हम सबमिट करें तो कुछ कहीं और जाएगा। तो जैसे यूजर फॉर्म में हम सबमिट करते थे, बटन बनाते थे तो जाता था अंदर, ऐसे ही हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे कि हम एक यूजर फॉर्म बनाएं जो अंदर जाए। और यूजर फॉर्म बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीके एंटर से ही चलेंगे, और भी लाइब्रेरीज है उसका यूज करें, ठीक है सर। चलिए तो आज की कथा समाप्त करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो में